तो आज हम लोग कुछ इस तरह की फ़ोटो एडिटिंग करने वाले हैं, जिसके लिए हमें सिर्फ पिक्सआर्ट एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा, जो कि इजीली हमें प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ़ोटो को हम लोग को पिक्सआर्ट में खोल लेना है। हम लोग को इसका बैकग्राउंड इरेज करना है, तो उसके लिए हम लोग को पहले पिक्सआर्ट में ड्रॉ टूल में आना होगा। यहाँ पर ड्रॉ टूल में आने के बाद ऊपर लेयर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो सेकेंड फ़ोटो है उसके ऊपर क्लिक करके कॉपी कर लेना है लेयर पर। फिर बीच में जो ट्रांसपेरेंट लेयर था उसको डिलीट कर देना है, नीचे वाले लेयर को आई बटन पे क्लिक करके उसको ऑफ कर देना है। और ऊपर वाले लेयर पे आके फिर इरेजर पे हम लोग आना है और इसके ओपेसिटी को हम लोग को कम कर लेना है और हम लोग को इजीली इसे ब्रश को यूज़ कर लेना है। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, पर इससे फ़ोटो में क्लैरिटी पूरी अच्छी रहती है, तो इसी चलते हम लोग इसी से अपने बैकग्राउंड को इरेज करेंगे। और आप लोगों को कोई दूसरा भी पता हो तो उससे भी कर सकते हैं, पर मेरे को सबसे अच्छा यही लगता है कि इसमें क्लैरिटी बहुत अच्छी रहती है, फ़ोटो ज़्यादा की क्वालिटी नहीं घटती है, तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो चलिए वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देते हैं। I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. हम लोगों ने दोनों फोटो का बैकग्राउंड जो है अच्छे तरीके से इरेज कर लिया, जो हम लोग को आगे फोटो में यूज़ करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को बैकग्राउंड को अपने पिक्सआर्ट में खोल लेना है। फिर बैकग्राउंड ओपन करने के ऐड फोटो करके हम लोगों ने जो फोटो का ये बैकग्राउंड इरेज किया है सबसे शुरू वाले फ़ोटो में, जो आधा फोटो रहेगा क्रॉप रहेगा, तो उसको यहाँ पे हम लोग को यूज़ कर लेना है। फिर इरेज करके यहाँ जो साइड साइड में थोड़ा मेरा कुछ पार्ट बच गया जो बैकग्राउंड अच्छे से इरेज नहीं हुआ, तो उसको मैं पहले इरेज कर लेता हूँ। इतना भी उठता है थोड़ा सा बस, तो यहाँ पर थोड़ा सा रह गया इधर इधर साइड साइड में। इतना हो जाने के बाद फिर हम लोग इसके सीटी को भी कम कर लेना और नीचे हार्डनेस को भी कम करके यहाँ से जैसे जैसे मैं रिलीज कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको भी रिलीज कर लीजिएगा, ताकि लगे ये पूरा स्काई में फोटो। फिर इतना कर लेने के बाद यहाँ से हम लोग को डन कर देना है, थोड़ा और अच्छे से कर लेते हैं इसको पहले। इतना हो चुका हमारा, फिर उसके यहाँ से अब डन कर देते हैं। फिर यहाँ से थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं, फिर यहाँ से डन कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग ऐड फोटो में जाएंगे, फिर से जो हम लोगों ने एक और फ़ोटो जो हम लोगों ने रिमूव किया था बैकग्राउंड उसको मैं यहाँ पे ले आते हैं। फिर उसको यहाँ पे अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देंगे। अपना एडजस्ट करने के बाद यहाँ से फिर उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से एडजस्ट करने के बाद यहाँ से ऊपर से डन कर देंगे, उसको बीच में ले आते थे और अच्छा लगे। अब यहाँ से ऊपर से हम लोग इसको डन कर देते हैं। इतना हो जाने के बाद हम लोग को फिर यहाँ से ड्रॉ टूल पे आना है। ड्रॉ टूल पे आने के बाद ऊपर हम लोग को यहाँ पे ब्रश का ऑप्शन मिलेगा, जिसको हम लोग को साइज़ पूरा बढ़ा देना है और फिर यहाँ से एक लाइन स्ट्रेट खींच लेना, हम लोग को स्ट्रेट लाइन कर लेना है। फिर यहाँ लेयर वाले ऑप्शन पर जाना है, फिर ऊपर डॉट डॉट पर क्लिक करना है, फिर ट्रांसफॉर्म कर देना है लेयर को। और फिर जैसे मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ वैसे आप लोग भी एडजस्ट कर लीजिएगा, इतना एडजस्ट करके यहाँ कर लेना है। फिर ऊपर से यहाँ से ऊपर डन का ऑप्शन मिल रहा होगा टिक का, वहाँ पे टिक कर लेना है। फिर यहाँ जो है इसको हम लोग को स्क्रीन कर देना है, तो स्क्रीन करने से यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ शेडो बन चुका अच्छा सा, जो कि फ़ोटो को और अच्छा लुक दे रहा है। और फिर यहाँ से हम लोग को ऐड फ़ोटो पे जाना है, और ऐड फ़ोटो पे जाने के बाद यहाँ पे PNG मिलेगा, और PNG और बैकग्राउंड का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसको भी ब्लेंडिंग मोड में जाके हम लोग स्क्रीन कर लेंगे और यहाँ इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद यहाँ से ऊपर से हम लोग डन कर देंगे, और डन करने के बाद यहाँ पे हम लोग ड्रॉ वाले ऑप्शन पे आके ऊपर से 3 डॉट पे क्लिक करके सेव कर लेंगे, तो यहाँ से फ़ोटो अच्छे रिजोल्यूशन में सेव होता है, इसलिए हम लोग ड्रॉ टूल से सेव करते हैं। शुक्रिया, आप मिलते हैं अगली वीडियो पर।